हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी मतलब होता है महिलाओं में बांझपन। महिलाएं बांझ क्यों होती है, क्या कारण है, क्या मुख्य कारण है, किस वजह से होता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फीमेल इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है, ऐसी महिलाएं जो इनफर्टाइल हो, मतलब बेबी को वो डिलीवर करने में कैपेबल ना हो, वो प्रेग्नेंट हो ही ना पाए, उन लोगों को बोलेंगे हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी। किस कारण से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिसमें सबसे पहला है मुख्य कारण एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं के गर्भाशय को अफेक्ट करती है। महिलाओं का जो गर्भाशय है कुछ इस तरीके से होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फंडस है, ये ओवरी है। यहाँ पे इस तरीके से महिलाओं का गर्भाशय होता है, ये यूट्रस है, यहाँ सर्विक्स है। एंडोमेट्रोसिस के केस में होता है कि जो मांस होता है, छोटे छोटे मांस, वो किसी भी एरिया में, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब हो, चाहे यूट्रस के नीचे वाले पार्ट में हो, कहीं पर भी मांस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा मांस का ग्रोथ हो जाता है। मतलब यूट्रस के जो टिश्यू होते हैं वो यूट्रस के बाहर ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में जो महिलाएं हैं उनका एग का वापस से ट्रांसफर, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये एक मेन कारण है आपके इनफर्टिलिटी होने का। तो ये एक पहला कारण है। दूसरा है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मतलब महिलाओं के पेल्विक एरिया में जितने भी ऑर्गेन्स हैं, जितने भी, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरीज हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना, या तो मवाद का बाहर आना, ये भी एक कारण होता है। क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल या तो कोई फंगल या तो कोई वायरल इन्फेक्शन अगर यूट्रस में आ गया और यूट्रस के आसपास के जितने भी फैलोपियन ट्यूब ऑर्गेन्स हो गए, मतलब जितने भी ऑर्गेन्स हो गए, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी हो गया, सर्विक्स हो गया, इन सब चीज़ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक रीज़न है बांझपन होने का, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन में ही प्रॉब्लम आएगी तो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर में हमारे जो मेन ब्रेन है वहाँ से हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों रिलीज होते हैं। यही दोनों हार्मोन्स हमारे ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करते हैं। अगर इसी हार्मोन्स में डिफेक्ट है, ये हार्मोन सही तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहे हमारे ब्रेन से, हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आगे जाकर के आपको ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स करेंगे। ओव्यूलेशन नहीं होने के वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज हो जाने को बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। मतलब हमारे ब्लड में प्रोलैक्टिन नाम की जो हार्मोन है वो ज़्यादा बढ़ गई है। प्रोलैक्टिन ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो प्रेगनेंसी नहीं है, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी आपकी जो ब्रेस्ट टिश्यू है वहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करती है, प्रेगनेंसी होने नहीं देती है। नेक्स्ट है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो महिला हैं उनके शरीर में मेल्स के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड्रोजन हॉर्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स में इररेगुलरिटीज आती हैं, उनके फेशियल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता है, फेस में एक्स्ट्रा ग्रोथ होते हैं, हेयर्स के पिंपल्स होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है थोड़ा थोड़ा मेल्स की तरह दिखने लग जाता है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है और आप इनफर्टिलिटी होंगे। नेक्स्ट है आपका अर्ली मीनोपॉज। देखा जाए तो महिलाओं में मीनोपॉज 45 या 40 के बाद ही आता है, लेकिन अगर 35 में ही मीनोपॉज आ गया है या मीनोपॉज से रिलेटेड जितने भी सिम्टम दिखने लग गए हैं तो वो एक कहीं ना कहीं आपके प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करते हैं। तो अर्ली मीनोपॉज भी नहीं होना चाहिए महिलाओं को। उसके बाद है बिनाइन यूट्राइन फाइब्रॉइड।
टू टाइप के फाइब्रॉइड या टू टाइप के कैंसरस सेल होते हैं, बिनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब होता है फैलता नहीं है, एक ही जगह रहता है और वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, ये कैंसर सेल होते हैं। वैसे मैलिग्नेंट होता है वो पूरा बॉडी में ट्रांसफर होता है, यहाँ से वहाँ फैलने लग जाता है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया को भी मेटास्टेसिस कर देता है। तो बिनाइन यूट्राइन फाइब्रॉइड मतलब होता है यूट्राइन में एक्स्ट्रा कैंसरस सेल का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाना। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कैंसरस सेल का ग्रोथ हो जाएगा, वो भी एक ऐसा डेंजरस कंडीशन है जिसकी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट है पेल्विक एडिशन। पेल्विक बोन में एक्स्ट्रा मास का एडिशन होना, चिपक जाना, या तो पेल्विक बोन में किसी ऑर्गेन से ऑर्गेन का चिपक जाना, जो भी एक कारण है। मान लीजिए कि ओबिरिस जाकर के यहाँ पे आपके यूट्रस में चिपक जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे, तो आगे एग रिलीज होने में या इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे मुख्य कारण थे महिलाओं का इनफर्टिलिटी होना, महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी और कभी भी बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाएंगी। इन कारणों की वजह से महिलाएँ डिलीवर नहीं कर सकती, बच्चा और कंसीव ही नहीं कर सकती हैं। कुछ अदर कॉसेस भी है, उस अदर कॉसेस में सबसे पहला आपका मेडिकेशन। अगर जो महिलाएं हैं कुछ ऐसे मेडिसिन खा रहे हैं जो उनके यूट्रस या फिर अदर वाइज उनके कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स को डैमेज करता हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, तो वो भी एक रीजन है इनफर्टिलिटी होने का। और है थायराइड प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए महिलाएं के TSH का लेवल इंक्रीज है, थायराइड का हॉर्मोन्स का रिलीज ज्यादा हो रहा है उसकी बॉडी में, तो वो भी एक रीजन है कंसीव नहीं करने का। उसके बाद अगर महिलाएं किसी कैंसर ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं, अगर उनको ऑलरेडी कैंसर है किसी चीज का, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूट्राइन कैंसर हो गया, सर्विक्स कैंसर हो गया, या फिर बॉडी में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको, तो वो भी रीजन होता है इनफर्टिलिटी करने का। नेक्स्ट है डिलेड प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी होता है, एक्चुअली तो प्यूबर्टी आपको 12-13 ईयर्स ऑफ एज में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर 14-15-16 या उससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है प्यूबर्टी आने में, तो कहीं ना कहीं वो रीजन है आपका इनफर्टिलिटी कॉज करने का। उसके बाद है एमेनोरिया। अगर आपके पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं, लैकिंग ऑफ द पीरियड्स है, तो वो भी एक रीजन होता है इनफर्टिलिटी कॉज करने का, क्योंकि पीरियड्स की वजह से ही आप फर्टाइल हो सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो पीरियड्स ही नहीं आएंगे तो वो रीजन है एमेनोरिया होने का। उसके बाद है सिकल सेल डिजीज। अगर आपको सिकलिंग की प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा है, आरबीसीज के ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो वो भी रीजन है आपका इनफर्टिलिटी कॉज करने का, क्योंकि एक बेबी को कंसीव करने के लिए हमारे खुद के बॉडी में सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड होना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है अगर आप HIV एड्स जैसी कोई इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शियस डिजीज से गुजर रहे हैं, वो भी आपके इम्यूनिटी को पूरी तरीके से कंप्रेस कर देता है। इम्यूनिटी ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप बेबी को कंसीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। कई बार ऐसा होता है जो महिलाएं होते हैं उनके अंदर में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर आप कंसीव कर रहे हैं, अगर आपके बॉडी में स्पर्म आ रहा है, तो आपकी जो बॉडी में ऑलरेडी एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इम्यूनिटी सिस्टम में, वो आपके उस स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये सोचेंगे कि वो बाहर का कुछ फॉरेन पार्टिकल्स है जो हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय करने के लिए घुस रहा है। तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज भी एक रीजन है, अगर आपके में है तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है ऊसाइड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। रेक्टिन नाम के, रिसेप्टिन नाम के एक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे ऊसाइड्स में। ऊसाइड मतलब जो फीमेल होते हैं उनके एग में रिसेप्टिन नाम का जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसका मेन काम ये है कि वो एग को स्पर्म के साथ बाइंड करता है जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है। तो अगर ये आपके बॉडी में नहीं है या तो लैक है, तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं या तो कंसीव नहीं कर सकते हैं। सेम है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनो इनफर्टिलिटी। मदर का इम्यूनिटी सिस्टम में इनफर्टिलिटी ऑलरेडी रहेगा, मतलब मदर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें ऐसे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे जो स्पर्म को बाहर का एंटीजन समझ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये एक रीजन है। और नेक्स्ट है टेराटोजेंस अदर कॉसेस। जैसे कि आपने कहीं पे रेडिएशन के एक्सपोजर में आए हैं प्रेग्नेंट है, तो एक्सरे के एक्सपोजर में आए हैं, या तो किसी केमिकल्स को इंजेस्ट कर लिए हैं, ऐसे बहुत सारे टेराटोजेनिक थिंग्स है अगर आप इसके फेस किए हैं, तो ये भी एक रीजन है आपका इनफर्टिलिटी कॉज करने का। तो आज हमने देखा महिलाओं में इनफर्टिलिटी कैसे होता है, क्या कारण है, क्या रीजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।